ओके वी हैव सीन दैट कि फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ द लिमिट क्या है कहाँ पर उसका इस्तेमाल किया जाता है मशीन लर्निंग डीप लर्निंग और साइंस में उसके यूजेज क्या है सोलूशनस uh, uh, किस तरह से फाइंड किया जाता है लिमिट के ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं सेशन पर हम कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे uh, कि वो प्रॉपर्टीज़ किस तरह से किसी लिमिट पर एप्लीकेबल होती है और उसके कंटिन्यूस होने के लिए या फिर डिसकंटिन्यूस होने के लिए ठीक है तो वीडियो फर्दर कंटिन्यू रखने से पहले बताते चलूँ कि प्रीवियसली तमाम वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है फाद हुसैन सी सर्च करने के बाद आप यूट्यूब चैनल पर आएंगे इसके प्ले पर जाएंगे जहाँ डिफरेंट डिस्प्लेन्स की वीडियोज़ मौजूद है विद ईज़ी ने वॉच किया जा सकता है जबकि इन वीडियोज़ पर इस्तेमाल होने वाले कॉन्टेंट रिलेटेड मटीरियल बिटवीन प्रेजेंटेशन स्लाइड एंड कोड मेरे ब्लॉग फादरसान सी एस ब्लॉग पर अवेलेबल है तमाम मटेरियल को यहाँ से फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है तो चैनल पर अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ आपको सीखने को मिलती रहे सो वट अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द लिमिट्स सो द फर्स्ट थिंग द लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स एज x अप्रोचेज c डजेंट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ f एट x इक्वल टू सी दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग क्योंकि हमने देखा है कि जो फंक्शन हमें दिया जाता है लिमिट में Uh, उसमें x अप्रोच करता है किसी क्वेश्चन नंबर को ठीक है c से मुराद यहाँ पे एक नंबर है जबकि c सी डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द f, c डिपेंड नहीं करता कि जो f की वैल्यूज है उस एट इट्स मे हैपन दैट द लिमिट इज करताइसली एफ ऑफ सी ठीक है जेड सी बात है जब उसमें हम x की जगह पर c को अप्लाई करेंगे तो वो एफ ऑफ सी हमें प्रोवाइड करके दे रहा होगा इन वेल बिहेव फंक्शन विच आर कंटिन्यूस एट सी ठीक है यानी एक ऐसा फंक्शन जिसका बिहेवियर हमारे कंटिन्यूटी के बेस पर बेस्ट uh, है अच्छा है हम उसे कंटिन्यूस कहेंगे सी पे कंटिन्यूस का मतलब है कि उस वैल्यू पे भी कंटिन्यूटी उसकी मौजूद है फॉर एग्जांपल इस तरह से एक फंक्शन का शेप मौजूद है और यहाँ पर मैं अगर लिमिट फाइंड कर रहा हूँ इस जगह पर तो ये कंटिन्यू फंक्शन है कहीं से भी डिसकनेक्ट नहीं है ठीक है और सी वो कॉन्स्टेंट वैल्यूज है जहां पर इसकी लिमिट अप्लाई की जा रही है ये एक्स एक्स पे ये यह वाई यानी यहाँ पर मैं सी को अप्लाई कर रहा हूँ सो दैट लिमिट कैन बी इवेल्युएटेड बाई डायरेक्ट सब्सिट्यूशन तो इस बेस पर जब ये फंक्शन कंटिन्यू होता है यानी मौजूद नहीं होती तो मैं डायरेक्ट सब्टीट्यूशन के जरिए से लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं विच मीन जो फंक्शन हमें एक्स टेंड टू सी है तो जहां जहां पर एक्स मौजूद होगा वहां पर मैं सी पोर्ट कर दूंगा जैसा मैंने यहाँ पे किया तो एफ ऑफ एक्स बराबर हो गया एफ ऑफ सी के वैन सब्टीट्यूट सी फॉर एक्स अब थ्योरम ऑफ वन ये कहता है इसमें कि सम बेसिक लिमिट्स के जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है कि अगर मुझे एक फंक्शन दिया जाए जिसमें सिर्फ बी मौजूद है और उसमें लिमिट टेंड कर रहा है सी की तरफ क्योंकि यहां पर कोई एक्स मौजूद नहीं है तो इस फंक्शन का एफ ऑफ सी भी यही आएगा यानी एक्स एफ ऑफ एक्स ये है तो इसकी वाई की वैल्यू भी यही आएगी ठीक है यहां पर एक्स मौजूद था ठीक है इसका मतलब है सब्सिट्यूट डायरेक्ट मैं इस्तेमाल कर रहा हूं तो एक्स की जगह पर मैं क्या लिखूंगा सी तो ये एफ ऑफ एक्स था अब ये कन्वर्ट होकर सी में कन्वर्ट हो गया ठीक है इसी तरह से हमें आ, पावर के फॉर्म पर भी वैल्यूज दी जा सकती है जैसे एक्स टू पावर एन मौजूद है तो एन अपनी जगह वैसे ही रहेगा जबकि एक्स की लिमिट सी पे इंटेंड कर रही है तो ये एक्स कन्वर्ट हो गया सी में जबकि एन की पावर वैसे रही

एफ uh, और जी के लिए फंक्शन के नाम कुछ भी हो सकते हैं लेकिन यहां पर जो प्रॉपर्टीज बताई जा रही है वो बताई जा रही है कि अगर हमें दो लिमिट्स दिए जाएं तो उसमें बेसिक अर्थमैटिक ऑपरेशन के सर से अप्लाई किया जा सकता है देखिए अगर हमारे पास एक एफ फंक्शन है तो एफ एफ के फॉर्म पर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मल डेफिनेशन ये लिखा जा सकता है ठीक है ये एल से क्या मुराद है लिमिट की वैल्यूज ये फॉर्मल डेफिनेशन पर हम डिस्कस कर चुके हैं मैं तमाम वीडियोज को सेपरेट बना रहा हूँ ताकि हर कॉन्सेप्ट को समझना हमारे लिए आसान रहे नेक्स्ट नेक्स्ट जो फंक्शन था वो जी था तो जी ऑफ एक्स के फॉर्म पे लिखा और यहाँ पर एल को रिप्लेस करके कैपिटल के से रिप्रेजेंट किया गया दोनों फॉर्मल डेफिनेशन पर इक्वलेंट है अब किसी फंक्शन को जब स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाएगा फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझ लें कि एक फंक्शन लिमिट के फॉर्म पर कुछ यूँ लिखा है लिमिट एक्स टेन टू सी और फंक्शन हमारे पास है टू एक्स ठीक है तो ये जो x है यहां पर वो एफ ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट तो कर रहा है एक्चुअली कर तो रहा है complete 2X, लेकिन 2 यहाँ पर क्या है एक values है, एक ठीक तो इस कॉन्स्टेंट को मैं बाहर की तरफ ले क्योंकि लेक्स पे अप्लाई तो होगी, तो होगी और इसे मैं इस तरह से लिखूंगा लिमिट एक्स जबकि एक्स टेंड टू क्या होगा सी इसी चीज को देखें यहां पर करके दिखाया गया बी के बाद हुआ एल यानी इसका मतलब कि अप्लाई किया गया सम और डिफरेंस सम और डिफरेंस का मतलब है दो फंक्शन है एफओफेक्स जी ओफेक्स में सम किस तरह से अप्लाई किया जी बिल्कुल सॉल्व करें पहले यानी फर्स्ट फंक्शन को सॉल्व करें जो भी वैल्यूज आएगी वो मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्जाम्पल ये आ रही है सी वन फिर सेकंड को सॉल्व किया इसकी वैल्यू आ रही है सीट अब इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर दें या सब्ट कर दें जिस मकसद के लिए भी आपको दिया गया देखें यहाँ पर ऐसा ही हो रहा है एल प्लस के या एल माइनस के द थर्ड वन प्रोडक्ट यानी दोनों को मल्टीप्लाई किया जा रहा है वेरी सिंपल एफोफैक्स डॉट एफ ओफ जी ओफ एक्स यानी दोनों की वैल्यूज ली दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर मल्टीप्लाई को शो किया जा रहा है एल डॉट के के फॉर्म पर क्वेश्चन यानी डिवाइड किया जा सकता है जबकि जो डायनोमिनेटर की वैल्यूज है कि वो जीरो नहीं होनी चाहिए ठीक है वगैरह हम इनफाइनाइट की तरफ चले जाएंगे तो एफ ओफेक्स जो भी आया जियो जो भी आया उनको डिवाइड कर दें एट द लास्ट वन पावर फॉर्म ठीक है जैसे हमने अभी प्रीवियस स्लाइड पर भी देखा कि थर्ड एग्जाम्पल में एक्स टू पावर एन के फॉर्म पर था अगर मुझे फंक्शन एफ ओफ एक्स एन दिया जाएगा तो लिमिट की वैल्यू जो भी आएगी सॉल्व होने के बाद यानी एक्स की लिमिट जो अप्लाई करूंगा मैं डायरेक्ट सब्सिट्यूशन से उस पर वो एन की वैल्यूज़ भी अप्लाई हो जाएगी जो भी एन वहाँ पर मौजूद है स्क्वायर है क्यूब है वट जो भी वैल्यूज वहाँ पर दिखेंगे ओके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जो अभी हमने रूल्स पे देखा एक्स टें टू टू है जबकि यहाँ पर कोई एक्स मौजूद नहीं है तो डायरेक्टली थ्री वैल्यूज ही हमारा आउटपुट आएगा यहाँ पर एक्स है जो कि माइनस फोर पर सब्टीट्यूट होगा डायरेक्ट वो मैंने अप्लाई कर दिया ठीक इसी तरह थर्ड पे एक्स स्क्वायर मौजूद है एक्स की जगह पर वैल्यूज़ अप्लाई मैंने two, two किया मैंने टू टू का स्क्वायर किया फोर आंसर फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री अब देखें यहाँ पर वो कॉन्स्टेंट वैल्यूज आ गए जिसको स्केलर मल्टीप्ल कहा जा रहा है इसे मैं सेपरेट कर दूंगा ठीक है या तो आप सेपरेट लगे या सिर्फ सॉल्व करके यहाँ पर दिखा दें जैसे मैंने दिखाया हुआ है एक्स की जगह टू अप्लाई किया फोर हो गया फोर सिक्सटीन uh, हो गया ये वैल्यूज और सिक्सटीन प्लस थ्री नाइनटीन हो गए इस तरह से हमने लिमिट की वो प्रॉपर्टीज यहाँ पर अप्लाई होते हुए देखी जो अभी हमने डिस्कस किया था अब लिमिट को सॉल्व करने के लिए कुछ इसके uh, मजीद रूल्स uh, आते हैं जहां पर हम ये देखते हैं कि डायरेक्ट से एक्चुअली वैल्यूज uh, बन क्या रही है, है? Uh, uh, जबकि हमारा फंक्शन है अगर डायरेक्ट से किया जाए तो वन का स्क्वायर वन प्लस वन प्लस टू यह आ गया डिवाइड में एक्स प्लस वन है तो यह हो गया वन प्लस वन तो ये हो गया फोर डिवाइड बाई टू 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 सा फोर

ऑर्ड है तो जो लिमिट की वैल्यू है वो सी एग्जिस्ट होनी चाहिए यानी पर मौजूद होनी चाहिए ठीक है अच्छा अब अगर आप इस फंक्शन को देखें यहां से हमें रेडिकल फॉर्म समझ में आ जाता है रेडिकल फॉर्म का मतलब है है कि, कि किसी आ, पर स्क्वायर रूट या क्यूबिक फॉर्म होता है, उसे रेडिकल कहा जा रहा होता है ओके okay, तो लिमिट में कहा जा रहा है कि एक्स टेंट टू सी है जबकि स्क्वायर रूट ऑफ एन है जिस पे पावर एन मौजूद है तो एन की जगह कोई भी वैल्यूज हो सकती है जो इसको रेडिकल बना रहा होगा तो हम एक्स की जगह पर सिर्फ सी अप्लाई करेंगे और ये फॉर्मेट इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा एन अपनी जगह रहा स्क्वायर रूट भी और सी भी तो ये फॉर्म बना रहा है कि अगर आपके पास क्यूबिक या स्क्वायर रूट के फॉर्मेट पर होता है तो इसे हम इस तरह से सॉल्व करते हैं द नेक्स्ट वन कंपोजिट फंक्शन कंपोजिट फंक्शन ऐसे फंक्शन को कहा जाता है जो फंक्शन के अंदर फंक्शन को इन्वॉल्व करता है या इंटरटेन uh, कर रहा होता है हमने डिस्प्रीट uh, मैथ्स के अंदर एफ ऑफ जी एन जी ओक्स फंक्शंस पढ़े थे जिसको हम कंपोजिशन ऑफ़ दी फंक्शंस कह रहे होते हैं वहाँ पर हम एफ ऑफ जी और जी ऑफ एक्स इस तरह से लिख रहे होते हैं अगर आपने वो वीडियो कम्प्लीट प्लेलिस्ट देखी हो ठीक है या फिर जी ऑफ एफ लिख रहे होते हैं तो इसको इस तरह से भी हम पहले तो सिंपलेस्ट वे पर इस तरह से पढ़ते हैं और उसके बाद फिर हम एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के साथ भी इसे इस तरह से सॉल्व कर रहे होते थे ठीक है तो वहाँ पर हमने तफसीला इसके हवाले से बात की हुई कि एम क्यू बना रहे होते हैं वगैरह लेकिन अभी हम कैलकुलस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ऐसा फंक्शन जो अपने अंदर एक और फंक्शन को इन्वॉल्व करता हो कंपोजिट फंक्शन कहलाता है लेट एफ एंड जी आर द फंक्शन सच दैट ये जी के लिए है ठीक है और ये एफ के लिए है. तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं ना भाई मैंने कहा कि ऑफ फंक्शन है है जिसमें कर रहा है C की तरफ तो फॉर्मल डेफिनेशन के L के मुताबिक बराबर होगा फिर मैंने कहा कि एक और फंक्शन है जिसमें एक्सट इंटेंड कर रहा है एल की तरफ ठीक है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यानी यहां पर कहा जा रहा है कि एक्स की वैल्यू वही हो रही है जो लिमिट सल्यूशन है तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ये बराबर होगा एफ ऑफ एल के ठीक है इसे मैं एफ ऑफ एल के बराबर कह रहा हूं बिहाफ ऑफ दिस बोथ फंक्शन वी कैन से दैट द लिमिट ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ये कंपोजिट फॉर्म आ गया ये बराबर होगा कि आप एफ को सेपरेट करके पहले जी को सॉल्व करो और जी की जो भी वैल्यू आएगी वो एफ ऑफ एल की एक्चुअली कहलाएगी क्योंकि जब आप लिमिट सॉल्व करते हो तो आंसर उसका एल आता है फॉर्मल के रिस्पेक्ट से तो ये एफ ऑफ एल के बराबर आ जाएगा तो इस तरह से ये चीज कंपोजिट फंक्शन के फॉर्म पर प्रूव हो जाएगी राइट right? तो लिमिट ऑफ द कंपोजिट फंक्शंस अगर हम यहाँ पे देखें तो ये तो एक रेडिकल फॉर्म है स्क्वायर के रूट के साथ स्क्वायर मौजूद है डायरेक्ट सब्सिट्यूशन अगर मैं करूँ तो ये हो गया टू टू फोर 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 यहाँ पर एट वैल्यूज आ गई ठीक uh, है सॉरी जीरो है यहाँ पर तो ये जीरो का मतलब जीरो हो गया फोर फोर का स्क्वायर रूट जब मैं करूंगा तो वो टू के बराबर आ जाएगा ठीक है तो डोमेन एक्स स्क्वायर प्लस फोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो सिंस द डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स डायरेक्ट सब्सिट्यूशन क्योंकि ये all real के पर कर रहे हैं उसकी वैल्यू ग्रेटर एप्लीकेबल है तो मैं कह सकता हूं कि डायरेक्ट सब्सिट्यूशन से डोम एज वेल तो ये रेडिकल फॉर्म पर आप देखें कि क्यूबिक फॉर्म है स्क्वायर रूड के ऊपर यानी वन ओ टू मल्टीप्लाई बाय थ्री तो ये लिखूंगा मैं डायरेक्ट थ्री ओ पॉइंट टू ठीक है ये पावर यहां पर बात हो रही है इसकी अगर मैं इस पर थ्री अप्लाई करूं तो नाइन एटीन हो गया ठीक है एटीन माइनस हमने यहाँ पर टेन किया और जो भी वैल्यूज आई उसके हमने थ्री अपॉइंट टू निकाला ठीक है आप कैलकुलेशन कैलकुलेटर uh, से डायरेक्ट भी कर सकते हैं तो हमें जो रिजल्ट मिल रहा है वो टू मिल रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपोजिट फंक्शंस को इस तरह से सॉल्व किया रेडिकल फॉर्म uh, पर किया जा रहा होता है अब कुछ ट्रिक्नोमेटिक फंक्शंस uh, हमारे पास प्रॉपर्टीज़ में आते हैं ट्रिक्नोमेटिक फंक्शंस के लिए हम सेपरेट एक uh, जो है वो वीडियो सेशन कवर करेंगे जिसमें ट्रग्नोमैटिक्स के तमाम फंक्शंस के बेसिक्स को मैं बताऊंगा कि कैसे बन रहे होते हैं क्योंकि जब आप कैलकुलस uh, पढ़ रहे होते हैं आ, तो ये समझ रहे एज अ बैक बोन ट्रिग्नोमेट्रिक्स लिमिट्स के साथ चल रहा होता है या डेरिवेटिव uh, या इंटीग्रेशन पे चल रहा होता है ठीक है अभी हम लाइटर वे पे ये समझते हैं कि बेसिक तीन फंक्शंस यहाँ पर इस्तेमाल हो रहे होते हैं ट्रिग्नोमेटिक में टेंथ साइन एंड कॉस और उसी के ब्याह पर मजीद फंक्शन बनाए जाते हैं तो सी इन अ ट्रिग्नोमैटिक लेट्स रियल नंबर इन द डोमेन टिपके डोमेन जो है वो सी यहाँ पर वैल्यूज़ दी गई है जो कि रियल नंबर से जबकि गिवन ट्रिग्नोमैटिक फंक्शंस हमारे पास ये हैं फर्स्ट हमें कहा जा रहा है कि साइन ऑफ एक्स तो जो x की वैल्यू है मैं उस पर सी अप्लाई करूंगा और जो भी साइन ऑफ c की वैल्यूज होगी वही हमारा आंसर होगा इसी तरह फोर cos, cot, tan, sec एंड cosec ठीक है ये छह फंक्शन टोटल होते हैं इन पर जो भी x की वैल्यू होगी वो लिमिट पे अप्लाई करेंगे और आप इसके सोल्यूशन की तरफ जा रहे होंगे जो भी ट्रिग्नोमैटिक फंक्शन आपको सॉल्व करके दे रहे होंगे तो अगर हम ट्रिग्नोमेटिक्स के कुछ फंक्शंस को डायरेक्टली लिमिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर मैं फंक्शन टेन ऑफ एच पे डायरेक्ट सब्सिट्यूशन यूज़ करूँ तो टेन ऑफ जीरो बराबर होता है ज़ीरो के जबकि एक्स ऑफ कॉस एक्स अगर आप यहाँ देखें तो एक्स डॉट कॉस एक्स मैं कह सकता हूँ यहाँ पर ठीक है तो डायरेक्टली x की वैल्यू पाई इस्तेमाल हो रही है इसमें ठीक है तो एक दफ़ा मैं इसको सेपरेट कर सकता हूँ और इसे भी सेपरेट कर सकता हूँ क्यों क्योंकि x सेपरेट अप्लाई होगा और cos x सेपरेट अप्लाई होगा या फिर एक साथ करके भी आप मल्टीप्लाई दिखा सकते हैं ठीक है यही अप्रोच अभी हमने देखी कि जब मैं कॉस्ट्रेन वैल्यूज को सेपरेट करता हूँ तो एक्चुअली वो लिमिट के साथ ही होती है लेकिन यहाँ पर एक वेरिएबल मौजूद है तो मैं डायरेक्टली भी इसको यूज कर सकता हूँ यानी एक्स पे भी लिमिट अप्लाई होगी और कॉस एक्स पे भी लिमिट अप्लाई किया जाएगा तो हमने यहाँ पर यही किया हमने इस एक्स पे पाई अप्लाई किया और फिर कॉस एक्स पे भी पाई अप्लाई किया दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व किया तो इसका आंसर आ रहा है माइनस पाई यानी माइनस थ्री पॉइंट वन फोर इसका आंसर आ रहा होगा साइनस स्क्वायर एक्स एक्स की वैल्यू जीरो अप्लाई किया सब के साथ का स्क्वायर जीरो होता है एंड हैंड्स प्रूव दैट कि हम टिग्नोमैटिक फंक्शंस को भी प्रॉपर्टीज के ब्याह पर सोल्व कर सकते हैं तो दैट्स ऑल अबाउट दी सम प्रॉपर्टीज के प्रॉपर्टीज क्या हैं किस तरह से हम कंपोजिट फंक्शन और रेडिकल फंक्शन को सॉल्व करते हैं और बेसिक लिमिट्स प्रॉपर्टीज़ क्या हैं वो सारी चीज़ें हमने जानी फिर भी कोई सवाल है अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो कम कमेंट सेशन में मुझे ज़रूर बताएं कोशिश करूँगा सवाल से बर जवाब दे सकूँ नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो हम कुछ इन फॉर्म देखेंगे कि इंडिटमिनेट फॉर्म क्या होता है उसको हम किस मैथड से सॉल्व करते हैं ताकि जो इन फॉर्मेट है उसे खत्म किया जा सके तो इसी तरह से जुड़े रहें वीडियो को लाइक करें ज़्यादा ज़्यादा लोगों को शेयर करें और तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ आप सीखते सीखते रहें नेक्स्ट सेशन पर मिलते हैं सीखते हैं आप